लोग चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेकर आ जाते हैं एकदम से बीच में, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, इनोवेटिव। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही स्कूल्स ओपन होने की अनाउंसमेंट हुई, साथ ही ये बुकलेट्स जो हैं वो जारी कर दी गई। अब इसमें स्कूल के बच्चों को भी कवर किया है, टीचर्स और इंतज़ामिया को भी कवर किया है। दिस वॉज अ वेरी गुड आइडिया। देखिए, मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब हम SOPs बनाते हैं या कुछ सरकारी अहकाम जारी करते हैं, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो अवेयरनेस का होता है कि हमने लोगों को बताया क्या है। जी, हम बंद कमरों में बैठ के अगर अपनी SOPs बना लें और प्रेजेंटेशंस दे दें, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि लोगों ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इवन जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना होता है, मेजॉरिटी लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करने का भी, उनको भी पता नहीं होता कि क्या SOPs बनी है। तो ये अवेयरनेस का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ों बच्चों ने, अब आपको पता है कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 15 तारीख से स्कूलों में जाना है। जी, पूरी दुनिया में, हमारे पास ये एविडेंस आई है कि जहाँ जहाँ भी स्कूल्स खुले हैं वहाँ पे स्पाइक वायरल देखने को मिली है। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इस हवाले से। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि हम सारी ज़िंदगी स्कूल्स बंद करके भी नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये सिचुएशन, बाहर वाले सिचुएशन से हमें प्रोएक्टिवली बाहर निकलना है। और इसके लिए ज़रूरी था कि हम SOPs बनाएं, और SOPs तो खैर हमने, आपको पता है कि हर एक्टिविटी की बनाई। जी जी। लेकिन यहाँ बात ज़रूरी ये थी कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स तक ये बात पहुँचाई जाए। जी। ताकि उसमें से एक मेजॉरिटी जो है वो इस पर अमल करना शुरू कर दे। और अगर मेजॉरिटी नहीं भी करती, लेट से कुछ लोग भी करते हैं, तो उसकी देखा देखिए कोई स्पाइरल इफेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका। तो अब जब बच्चों को कोई चीज़ पहुंचानी थी, तो हमारी, मैंने अपनी टीम को बिठाया कि ऐसी लैंग्वेज और ऐसे तरीके की चीज़ बनाएं जो बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगे और उनके टेक्स्ट बुक से हटके हो। ये जो बुकलेट बनाया है आपने, बड़े ज़बरदस्त, हमने एक कल इस पर डिटेल्ड डिस्कशन भी की और उसको पूरा हमने आवाम तक पहुंचाया। और ये जो इंतज़ामियों और टीचर्स के लिए बनाया, ये भी हमने देखा है और हम पढ़ रहे हैं इसको। ये बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ा बेहतरीन आइडिया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद मॉनिटरिंग इस पर कैसे होगी, और ये जो अवेयरनेस, फिर जो बच्चों के अंदर अवेयरनेस फैलानी है, और फिर जो मॉनिटरिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कैसे की जाएगी, उस पर कोई प्लान बनाएं? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि जी हम ये किताबचे जो हैं ये प्रिंट भी करवा रहे हैं, और प्रिंट करा के हम इनको इंशाअल्लाह स्कूल्स में पहुंचाएंगे। इसके जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, बेसिकली दो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर बच्चों के अलावा, टीचर्स और पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए तो मीडिया ने एक माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप लोग रोज़ाना अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करते रहते हैं और पेरेंट्स को ये बात बताते रहते हैं। टीचर्स के हवाले से हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया कि हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन तमाम टीचर्स की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स के साथ इसी बुकलेट की हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, ताकि टीचर्स को पता हो कि उन्होंने वो तीन चार क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं जो इम्बाइब करनी है बच्चों में, ताकि हम इस बीमारी के स्प्रेड को रोक सकें और इसको मज़ीद ना फैलने दें। तो इस हवाले से हमने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें अगले चंद दिनों में हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर ट्रेनिंग्स के बाद फिर इवेंचुअली इसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। और मॉनिटरिंग के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, मॉनिटरिंग जो है वो थ्रू विजिट्स भी होगी, फिर मॉनिटरिंग में हमारे जो टेस्ट हो रहे होंगे वो भी हमारी मदद करेंगे कि टेस्ट से भी हमारे पास एविडेंस आएगा कि कहाँ पर इंसिडेंस मौजूद है, कहाँ पर नहीं है। तो इसका एक सिस्टम बिल्कुल इन प्लेस है। पहली बात थी अवेयरनेस की, और वो अवेयरनेस वाले प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं, साथ साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। जैसे ही स्कूल्स खोलेंगे, इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तमाम डिस्ट्रिक्ट टीमें बनाकर अपनी मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया। एक बड़ा टास्क है आपके लिए, चैलेंज भी है। आपने अवेयरनेस वाला चैलेंज तो बड़े ज़बरदस्त भा लिया, और आपने बड़ा एक इनोवेटिव आइडिया भी ले आए, लेकिन फिर अब एग्जीक्यूशन की तरफ जब आएंगे, फिर रैंडम टेस्टिंग भी जुमरे में आ जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो इंशाल्लाह वी होप कि सिचुएशन क्लियर ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।